सिली प्रखंड के नावाडी गांव में शनिवार को अड़ाल माध्यम सिंचाई योजना के विस्तारीकरण का शिलान्यास मुख्य अतिथि सिली विधायक सुदेश कुमार महतो ने विधिवत नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिंचाई की सुविधा बहाल होने से लाभ मिलेगा। ग्रामीणों की लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। मांग पूरी होने से ग्रामीणों में खुशी देखी गई है। विधायक ने संवेदक को कार्यों में गुणवत्ता रखने एवं समय पर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। विभाग के एसडीओ शेखर कुमार ने बताया कि इस सिंचाई योजना का विस्तारीकरण में 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे एवं इसकी लंबाई 1650 मीटर होगी, जिसमें अड़ाल, नावाडी, कार्याडी, तुंकू, पत्रहातु आदि गांव के किसानों को लाभ मिल सकेगा। वहीं गांव में सुदेश महतो का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया एवं अध्यक्षता हरिदास चांद ने किया। इस मौके पर गूंज परिवार के संयोजक जयपाल सिंह, आजसू के केंद्रीय नेता संजय सिद्धार्थ, जीप सदस्य वीणा देवी, उप प्रमुख प्रफुल्ल कुमार, वार्ड सदस्य नमिता देवी, कर्मी देवी, कृष्णा महतो समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सोना न्यूज दिल्ली से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। खेतों में जो सिंचाई नहीं हो रही थी, अब इनका मनोकामना पूर्ण होगा। मैं सुरेश बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर आए और इस कार्य को सफल बनाए। एवं पिए कर पानी कर मैं कह रहा हूँ सिंचाई, जहाँ सिंचाई कर व्यवस्था संभव होते गुटा हमरा कर खेते पानी पहुँचा। मेरा बुद्धिजीवी किसान वर्ग और लोग सब भैया, आज हमरा आराल हम नावाडी तुईकू इठिन मुड़ू जितना भी इठिन कारियाडी चांगड़ू जे गाँव कर हमरा सब का आइयो तरफ फ्री है। मोर बुद्धिजीवी मंच आपका काम है, अभी बैठ के भी आपको मीटिंग करके देंगे। किसान भाई तुरा के काम दे गाँव कमेटी, ऐसा नहीं की हमार काम केवल चुनाव रही, एक और बादे असली काम है कि जोन को हार गिला बात गिला टाँड गिला खालिया तोरा पहले किसान संघ बस किसान को सहमति कर, ऐसा ना लगे कि पानी देले वही खेती कर तक। लेकिन उदाहरण है कि है नवाडी को पहले टाँड गिला कैसन लोग पहले तो खेती नहीं करा है ला। लेकिन आज खेती करो करो कि नहीं करो, पूरा टाँड इतना सुंदर लगेगा बेट के ईटा लगेगी। लोग बदलो ला काम करे चाह अपन ले कर ला, लेकिन अब आपका कर्तव्य है कि आप तय करिए कि टाँड गिला है पहले किसान एक उठ टुकड़ा कर 20 डिसमिल है एक टुकड़ा है टखोर जितना है सब किसान को सर बुलाइए और मीटिंग करिए। इस क्षेत्र को तमाम हजारों हजार पब्लिक के अपन आभार व्यक्त करो कि 2019 कर एटा बड़ो राजनीतिक अभियान के तोरा जीतो लिया ओकर खातिर तोरक माध्यम में तोरा के तोरक साथ साथ तोरक सब समर्थक के हार्दिक बधाई दियो ला और के अपन के लिए वोट जाना है। आज जो ये शिलान्यास हो रहा है नहर का, इससे कैसा महसूस हो रहा है आपको और इस गांव के आप हैं तो ये नहर अगर बन जाता है तो कैसे लोगों को इसका सुविधा मिलेगा? इस नहर के बन जाने से 3 पंचायत के 9 गांव लाभान्वित होंगे, हजारों एकड़ जमीन पर इस पर सिंचाई होगी और बहुत सारे खेत है जो नवाडी से नीचे या ऊपर भी है वो पानी के चलते मर जा रहा है, वो लोग रोपनी ही नहीं चलती है। और इसमें ये हम लोग का एक नदी का काम करेगा और जिसमें इस पानी सब किसान को मिल सकता है। 9 गांव में करीब करीब 3 पंचायत के 9 गांव में पानी की कमी हमारी स्वतः खत्म हो जाएगी। इसमें ना मशीन की ज़रूरत है ना कुछ की ज़रूरत है, वो स्वतः वहां से डैम से होते हुए इस कैनल के माध्यम से नवाडी, दुलमीडी, कारियाडी, पत्राहतु, गागरा ये सब विभिन्न प्रकार के गाँव के हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। अच्छा ये बताइए यहाँ जो कैनल बन रहा है इससे आप कितना खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। विगत वर्षों से हम लोग बहुत प्रयास में थे कि नहर कब बनेगा और हम लोग किसान कैसे हम लोग खेती से पूर्ण लाभान्वित होंगे और इस नहर से हम लोग को बहुत तरह का फसल होगी यहाँ पर, जैसे धान की फसल, गेहूं का फसल, उसके बाद जैसे तिलहन दलहन का फसल होगा होगी और इसमें सब्जी भी हम लोग इसमें पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे मतलब कितने एकड़ में ये लगभग मोटा मोटी समझिए मैंने 1000-2000 एकड़ जमीन पर खेती होगी। कितने लाभों को लाभ मिल सकता है इससे? जैसे कारियाडी हुआ, नवाडी हुआ, आपको पत्रहातु और घाघरा, ये जितने भी कृषक लोग हैं सबको पूर्ण रूप से यहाँ पर इसी मैंने नहर से उन लोगों को फायदा मिल सकता है। क्या नाम है? गोवर्धन मुंडा। कौन सा गाँव? नगर ग्राम नावाडी पंचायत समिति पंचायत समिति है पंचायत पंचायत समिति पंचायत।